गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. लाइक लास्ट टाइम हम लोग आज त्रिदोष का जो कॉन्सेप्ट है वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ लिटिल मोर डिटेल. बिफोर वी डू दैट लेट मी टेल यू ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है. आयुर्वेद का जो पूरा साइंस है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है त्रिदोष इज वन ऑफ द फाउंडेशनल एंड वन ऑफ द वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट बिकॉज इसी के बेसिस पे लाइक वी अंडरस्टूड लास्ट टाइम हमारी जो प्रकृति है हर किसी की हर व्यक्ति की एक प्रकृति है. तो जब आप किसी वैद्य के पास जाते हैं वो आपकी टंग को चेक करते हैं वो आपकी नाड़ी को चेक करते हैं और कुछ सवाल पूछ के या मे बी कंफर्म करके देन दे अराइव कि आपकी प्रकृति क्या है और उसके बेसिस पे वो आपका ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं. तो यू इमेजिन कि ये कितना वास्ट कॉन्सेप्ट होगा. सो ऑल्दो वी आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ इट आई वुड डेफिनेटली से कि इसके बेसिस पे आप कोई डोंट जंप टू अ कंक्लूजन थिंकिंग कि अच्छा अब मुझे ये पता है तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मेरी ये पर्सनैलिटी है या मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये छोड़ देना चाहिए. डोंट बी हेस्टी इन अराइविंग एट एनी सच कंक्लूजन. देर इज अ लॉट दैट यू कैन स्टिल गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड एंड आफ्टर दैट आइडियली तो मेरे हिसाब से सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहिए. Unless it is something very simple, which we will look at today also. So starting with के last time जो हमने समझा था कि त्रिदोष मतलब तीन दोष की हम बात करते हैं. Very important to remember कि इसको दोष इसीलिए कहा जाता है जिसको हम English में fault बोलेंगे ना. दोष है किसी में कुछ या कुछ कमी है उसको दोष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा भी हो गया एक्सेस एनर्जी हो गई तो भी वो हमको विकृति या डिस्टर्बेंस पैदा करेगी बॉडी में या माइंड में. और अगर वो कम है द एनर्जी इज गॉन डाउन इट इज डिप्लीटेड इवन देन देर इज गोइंग टू बी सम विकृति और डिस्टर्बेंस इन द बॉडी एंड द माइंड और बोथ में भी. ओके सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. तो लाइक आई सेड ये तीनों जो है कफ इज दे ऑल्सो कोरिलेट टू सर्टन स्टेट्स और सर्टन एजेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ साइकिल. जैसे कफ दोष जो है वो जन्म से लेके पहले 14 या 20 साल की आयु तक या एज तक कफ दोष जो है वो बॉडी में प्रिडोमिनेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं. उसके बाद में द पित्त दोष विच इज द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक ओवर एंड आफ्टर 40 इट इज यूजुअली द वात दोष दैट कैन गेन प्रिडोमिनेंस. तो हालांकि हम सबकी अपनी एक प्रकृति है उसके अलावा एज वी गो ऑन फ्रॉम वन माइल स्टोन ऑफ द एज टू अनदर चांसेस आर कि दूसरा जो है वो डोमिनेंट हो सकता है. हालांकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ और रादर द ओनली डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज पर आयुर्वेद इज व्हेन देर इज एन इक्विलिब्रियम इन ऑल द दोष. तो इट इज एक्चुअली सम दोष सम धातु सम अग्निश्च वो पूरा एक श्लोक है विच आई विल शेयर विथ यू ऑन द ग्रुप लेटर. तो जब तीनों दोष जो है वो बैलेंस में होते हैं और हार्मनी में होते हैं देन दैट इज व्हेन वी एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ. क्योंकि इन सबके बॉडी में फंक्शंस हैं मतलब वो सारे फंक्शंस अपने हिसाब से हो रहे हैं देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी हैप्पी एंड हेल्दी. अगर कुछ कम ज्यादा है तो देन दैट इज व्हेन वी से कि अभी तबीयत थोड़ी डाउन है या बीमार है या कुछ है यू नो दैट इज व्हेन द एनर्जी इज नॉट इन इट्स राइट प्रपोर्शन. सो दैट इज समथिंग वी नीड टू रिमेम्बर. नाउ लास्ट टाइम बिफोर कंक्लूडिंग I had said के आपके पास ये जो एक वीक का टाइम होगा जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड सी वॉट यू कैन मेक ऑफ इट. एंड वन थिंग आई रिमेम्बर सेइंग के आप इसको एज अ होमवर्क ले लें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अमिताभ बच्चन ये नाम आप सुनते हैं तो वॉट आर द क्वालिटीज दैट कम टू योर माइंड. सो विथ रिस्पेक्ट टू दोष हमने देखा था कि कौन से दो एलिमेंट्स या जो पंच महाभूत है विच इज अग्नि वायु आकाश पृथ्वी एंड जल कौन से दो का मिलके हर एक दोष जो है उसकी एनर्जी बनती है राइट. सो आई हैड आस्क्ड यू कि आप उन एलिमेंट्स के बारे में सोच के अगर आप अग्नि के बारे में सोच रहे हैं आप जल के बारे में सोच रहे हैं व्हाट आर द क्वालिटीज दैट कम टू योर माइंड व्हाट आर द एडजेक्टिव्स हाउ विल यू डिस्क्राइब इट. सो इफ एनीबडी हैज डन एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यू आर वेलकम टू अनम्यूट एंड शेयर. अगर नहीं किया है तो भी ठीक है वी विल गो इन टू दैट बट इफ यू हैव देन आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू. यस हरिका गो अहेड. So for Prithvi, I kind of feel like it's more like it's a grounding feeling. I associate that is with grounding, nurturing, because earth is like life sustaining, and it gives us rooted a feeling of being rooted. Correct. And fertility or being fertile.
Or stability. Stability also is associated with Prithvi. So these are the adjectives I could think, or qualities I could think of for Earth. एक्सेलेंट. सो बिकॉज दिस इज पृथ्वी, पृथ्वी कौन से दोष में आता है? कफा. कफा दोष. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. वील बिल्ड ऑन दैट. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट हरिका. एनीथिंग एल्स? I mean, I made list of each of the elements. ओके, सो लेट मी गो टू समबडी एल्स एंड देन मे बी कम बैक टू यू. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वेरी रेलिवेंट. एनीवन एल्स? किसी और को शेयर करना है कुछ भी? देर इज नो राइट और रॉन्ग हियर. आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ लिखा होगा जैसे हरिका ने बताया. सो एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर प्लीज अनम्यूट एंड गो अहेड. यस असमंत. So I thought of earth as also an element wherein nutrition I associated with earth. करेक्ट. When you are putting a seed, you need nutrition and that helps with the rest of. So I felt that earth is so I associated that with earth. फेयर इनफ. एनीथिंग एल्स सिंस वी ऑलरेडी कवर्ड पृथ्वी? कुछ और अगर आपको शेयर करना है? With fire, I thought of it and understood that when there is fire imbalance, as आपने बोला था कि metabolism में उसका बहुत ये रहता है. So yes, for fire, when I thought of it, it was like when you are having imbalance and of course you covered that. So fire के साथ energy अगर हम associate करते हैं, so how does it changes in a positive way? I need to understand that, like how do you change fire into a positive aspect? ओके ओके, फेयर. नोटेड नोटेड. एनीवन एल्स? और कुछ? रेणुका जी, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? ओनली इफ यू वांट टू. कुछ अगर है, कुछ आपको कहना हो, मोस्ट वेलकम. राइट और रॉन्ग, बट समवेयर विद बाथ आई थॉट इट्स लाइक इफ यू हैव एयर, एयर हैज ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस, दैट आई थॉट प्रॉब्ली देयर कुड बी एसोसिएशन देयर. करेक्ट. विथ फायर प्रॉब्ली अ क्वालिटी दैट आई थॉट मे बी इफ यू हैव लाइक यू हैड मेंशनड ऑल्सो एंगर and probably being more on the subtle side or maybe subdued side, that those kind of qualities would be predominant or switch from one end to the other. That करेक्ट. would be seen. These two things that I ग्रेट ग्रेट. थैंक यू फॉर शेयरिंग रेणुका जी. वेरी गुड इनपुट्स, वेरी रेलिवेंट इनपुट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. तो बिफोर वी गो अहेड एंड वी लुक एट द क्वालिटीज और कैसे ये हमारी हमारे फिजिकल लेवल पे तो हमको अफेक्ट करता ही है, हमारे मेंटल लेवल पे हमारी पर्सनैलिटी को भी ये अफेक्ट करता है. ओके, सो वील गो ऑन दैट एंड वील बिल्ड ऑन एवरीथिंग दैट ईच वन ऑफ यू हैज सेड. तो कमिंग टू कफा, वील स्टार्ट विथ कफा. जस्ट टू रिपीट दैट कफा इज फ्रॉम द हेड टू द चेस्ट लेवल एंड ऑल्सो द स्टमक टू सम एक्सटेंट. ओके, तो यहाँ पे हमारे कफा दोष का स्थान होता है. तो इस एरिया से रिलेटेड आपके, विच इज नॉट टू से कि कफा बॉडी में और कहीं नहीं है, लाइक वी हैड डिस्कस्ड लास्ट टाइम, वो पाया जाएगा आपको सब जगह, लेकिन कुछ जगहों पे उसका रोल जो है वो प्रिडोमिनेंट रहेगा. ठीक है, और क्योंकि कफा बना है दो एलिमेंट से, विच इज हर एक दोष दो एलिमेंट से बना है. कफा बना है विथ यूजिंग पृथ्वी एंड जल, तो अर्थ एंड वॉटर. तो इनकी क्वालिटीज इफ यू लुक एट इट, लाइक हरिका ऑल्सो वेरी राइटली सेड, दीज आर स्टेबल. जैसे पृथ्वी है, हम लोग हवा में तो घर नहीं बना सकते ना, हम सिर्फ जमीन पर ही घर बना सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू दैट रूटिंग, इट कीप्स यू ग्राउंडेड, इट गिव्स यू स्टेबिलिटी. सो द क्वालिटीज एसोसिएटेड विथ कफा आर हेवीनेस, डेंस, स्टेबिलिटी, ऑयली. पृथ्वी के नीचे ऑयल निकलता है ना, तेल निकालने के लिए हमको पृथ्वी के नीचे ही जाना पड़ता है, राइट? खान जो होती है ऑयली, कूल. जैसे पानी जो है, पानी से जैसे प्यास बुझ सकती है, वो किसी और लिक्विड से बुझ सकती है? वट एवर यू बाय द फैंसीएस्ट ऑफ थिंग, इट वॉज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई यू द वे वॉटर कैन सेटिस्फाई, राइट? सो इट इज कूल. इवन जमीन, एक्चुअली अभी तो खैर हमारे पास सब सीमेंटेड है, लेकिन अगर आप घास के ऊपर चलते हो, स्पेशली इन द मॉर्निंग, या आप मिट्टी का कोई घर बना हुआ होता है, इट इज कूलिंग इन नेचर ना, क्योंकि वो बाहर के एनवायरमेंट की शीतलता को भी वो अपने अंदर ले लेगा.
So cool, sweet and soft. Water is sweet. Natural water is sweet. Okay, उसका वो जो उसकी तासीर ही ठंडी होती है एंड सॉफ्ट. ऑल राइट, सो दीज आर, दे विल बी मोर मे बी, बट ब्रॉडली दीज आर द क्वालिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद कफा. नाउ वेन यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आई रियली लाइक वॉट हरिका शेयर. फ्रॉम द पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज समथिंग दैट विल कीप यू ग्राउंडेड. नाउ पीपल हु हैव अ प्रिडोमिनेंट कफा दोष, वो एज अ पर्सनैलिटी भी वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे, वो ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, वो ज्यादा डेंस रहेंगे, विच ऑल्सो मीन्स दैट बायोलॉजिकली दे हैव अ टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट मोर इजिली देन अदर्स. सो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम इसको लाइफ साइकिल में देखते हैं ना कि जन्म से लेके 14 या 20 साल तक की उम्र तक कफा दोष प्रिडोमिनेंट रहता है. सो यू विल सी कि बच्चे अगर वो इनएक्टिव हो जाए, दे पुट ऑन वेट वेरी क्विकली, which we must have seen during the pandemic especially, क्योंकि सब लोग घर पर ही थे तो physical activity सबकी limited थी. जैसे जैसे teenage years आता है, आपको लगता है suddenly बच्चा, you know, कितना ज्यादा change हो गया है, because the kapha dosha is predominant. That is also when biologically the body's requirement for sleep increases. तो हमको लगता है कि बच्चा क्या कितना lazy हो गया है, कितना सोएगा, 10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, उसके बाद भी they are not feeling like they should be getting up. Because that is how the body is. It is a state of transformation. Okay, from kapha dosh, it will go and then it will change into pitta dosh. Then the body will change and operate a little differently. So as personalities also, they are going to be that way. There can be a tendency to feel lazy and sluggish. So unko aisa lagega ki yaar kuch bhi nahi karna hai, bas pade rahe hain. Hum jo term use karte hai na, couch potato, that reflects the kapha predominant personality. Okay, so if you look at it this way, in now let us understand from the point of view of seasons. Hum log jo hai, we will never exist in isolation. Because hum ye panch element ke hi bane hai na, hum ye panch mahabhut ke hi bane hai. To jo bhi environment mein change hoga, wo humare andar change na ho, ye kaise possible hai? Agar aap bane hi us cheez ke ho, to wo to obviously aapko impact karega. To jaise jaise season badalti hai, humare dosh bhi badalte hain. तो जब ठंडी का मौसम होता है, when there is more cool, you know the temperature is cooler, then obviously it is going to be more kapha dosh related. I liked what Harika said about fertility. ठंडी के मौसम में you get the best of green leafy vegetables, you get a variety of vegetables, the produce, the agricultural produce is more varied. Why? Because that is the time of high fertility. You know, so beautiful in Ayurveda it says ke agar if you are planning a child, try to conceive during winter months. It is the best time to conceive. Agar aapko bachcha karna hi hai, aap plan kari rahe, to aap sardi ke mausam mein bachcha jo hai, wo aap usko conceive kare. So beautiful. See, the first trimester is also when the kapha dosha is predominant. जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, पहले 3 महीने में कफा दोष, बिकॉज दैट इज व्हेन द सेल्स आर मल्टीप्लाइंग सो फास्ट, इट इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन एंड सस्टेनेंस, राइट? तो इसीलिए ये कहा जाता है कफा दोष इज ऑल्सो व्हेन हमारी ठंडी के मौसम में लोग इतना बीमार नहीं पड़ते, हमारी एपेटाइट भी ज्यादा होती है, तभी हम ना योगा क्लास में भी अटेंडेंस कम होती है. सुबह सुबह 6:30 बजे उठने में लोगों को, क्लास करने में पीपल फील लेजी. इट इज द एनवायरमेंट दैट अफेक्ट्स अस, है ना? सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर, बट वी कांट. तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी हमारा प्रिडोमिनेंट दोष है, दैट डजंट मीन कि हम उसी के साथ फ्लो करते जाएं और बाकी दोनों को इग्नोर करते ना. वी हैव टू ट्राई एंड स्ट्राइक अ बैलेंस. तो जब कफा दोष एग्रवेट हो जाता है, आई एम गोइंग टू टेक ओनली वन एग्जाम्पल एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स एट दैट. तो अगर बॉडी में ज्यादा ठंडी हो गई है तो हमको सर्दी होगी. हाँ, ठंडी का मौसम है, आप बिना ऐसे स्वेटर पहने आप कहीं गए हैं और आपने कुछ भी गर्म कपड़े नहीं पहने, आप नंगे पैर घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होगा, आपको ठंड लग जाएगी, आपको सर्दी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो अब अगर उसको आपको चेंज करना है, देन यू विल हैव टू डू समथिंग ऑपोजिट ऑफ वॉट यू वर डूइंग, राइट? तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कोई भी दोष में अगर इम्बैलेंस है और आपको उसको वापस बैलेंस में लाना है, तो आपको उसकी प्रकृति से विरुद्ध जो है, जो ऑपोजिट है, वो यूज करना पड़ेगा.
गॉट इट? इज दैट पॉइंट क्लियर? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, ऑल राइट. तो जो क्वालिटीज हमने ऑलरेडी समझी कि कफा हैवी है, डेंस है, कूल है, स्टेबल है, ऑयली है, स्वीट है, सॉफ्ट है, ये सब, हमको इसका ऑपोजिट कुछ करना होगा कि अगर उसका इम्बैलेंस हुआ है तो उसको हम बैलेंस में ला सके. तो जब आपको सर्दी होती है, यू मे नॉट टेल मी अलाउड, दैट इज ओके. अगर आपको सर्दी है, वॉट डू यू फील लाइक ईटिंग? डू यू फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम? डू यू वॉन्ट टू ईट आइस, और डू यू वॉन्ट टू ईट अ शरबत गोला अगर आपको सर्दी हुई है? ऑल इन ऑल लाइकलीहुड आपका वो खाने का, वॉट विल यू बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स? क्या मन करेगा आपका? यू विल फील लाइक हैविंग अ हॉट बेवरेज, नो? आपको काढ़ा, हम यूजुअली घरेलू नुस्खे में हम क्या करते हैं, हम काढ़ा बना के पीते हैं, हम गर्म सूप पियेंगे. हम अगर खाना खा रहे हैं तो हम गर्म खाएंगे, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी ठंडी है, ऑलरेडी नाक से पानी बह रहा है. मेक सेंस? सो द ऑपोजिट क्वालिटीज ऑफ कफा आर ऑब्वियसली, इफ पृथ्वी इज हैवी, द ऑपोजिट इज गोइंग टू बी लाइट, नो? इट हैज टू बी लाइट. सो लाइट है, अगर पृथ्वी डेंस है, पृथ्वी हिलती नहीं है ना, अनलेस देर इज अ भूकंप. जब हम लोग इसलिए मुहावरा यूज करते हैं कि हमारे पैर के तले से जमीन खिसक गई, मतलब समथिंग सो मैसिव एंड शॉकिंग हैपेंड, सो अनएक्सपेक्टेड. अदरवाइज पृथ्वी थोड़ी हिलती है, पृथ्वी तो अपनी जगह पे स्थिर रहती है. तो अगर वो बहुत ज्यादा स्थिर है, बहुत ज्यादा जड़ है, बहुत ज्यादा हैवीनेस है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिव और मोबाइल होना पड़ेगा. दैट इज वाई ऑल्दो एवरीबडी शुड बी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो सबको ही करना है, लेकिन जो कफा दोष प्रिडोमिनेंट है अगर किसी की पर्सनैलिटी, तो ठंडी में आई रिमेम्बर आई गॉन टू माउंट आबू वंस फॉर अ कैंप, और वहां पे एक डॉक्टर भी थे उस कैंप के अंदर, एंड वेरी वाइज मैन, वेरी सेंसिबल पर्सन. तो सुबह तो ठंड होती थी, हम सब अपने टेंट में पूरा वो ऐसे चादर में रजाई में घुस के, वी वुड बी देयर, एंड दिस डॉक्टर वुड वेक अप एंड ही वुड गो आउट फॉर अ रन, एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो दौड़ रहे थे तो उनकी बॉडी से पसीना निकलने लगा, एंड हिज बॉडी टेम्परेचर केम डाउन. मतलब ऑलरेडी बहुत ठंडा था, सो इट केम अप, द बॉडी टेम्परेचर रोज, एंड ही सेड तुम लोग जितना अंदर रहोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारी ठंडी वो मेंटेन ही रहेगी, बट इफ यू मूव अराउंड, थोड़ा दौड़ो, तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, पसीना निकलेगा, तो आप अडेप्ट कर पाओगे. पूरा दिन थोड़ी ना आप कंबल में घुस के रहो, यू गेटिंग इट? तो अगर बहुत ठंडी है और अगर हम बिस्तर में ही पड़े रह जाएंगे, तो देन दैट इज वेयर द होल डे इज गोइंग टू बी. इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे एक्टिव, स्पेशली अगर ऐसा ज्यादा लेथार्जी है तो, वरना कफा दोष प्रिडोमिनेंस में वेट गेन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं फॉर दिस सिंपल रीजन. ऑल राइट, बट इफ समबडी इज एक्टिव, इफ समबडी इज रेगुलर डिसिप्लिन, तो ऐसा नहीं है कि उनका अननोइंगली वेट बढ़ता ही जाएगा. आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू इट. So the qualities, like I said, the opposite qualities are lightness, being active or mobile, dry and warm. Dry, dry क्यों? क्योंकि कफा में already पानी है ना, जल है, तो there is already a lot of moisture. तो ये लोग जो है, when we come to diet, we will look at that also. Before I go to diet, I'm very wary of saying anything about diet, क्योंकि ये लोग तुरंत ना बहुत जल्दी उसको पकड़ लेते हैं कि अच्छा ऐसा बोला था, ऐसा पढ़ा था, now let me stop eating this and start eating that. Please don't do that. These are broad guidelines jo aapki understanding ke liye hai, andhadhun kuch bhi follow mat. Okay, to ab when we, because the environment influences us, kyunki hum pure panch mahabhoot ke hi bane, to obviously wo humko influence karta hai, to kaun sa environment kapha dosh ke liye suitable hoga? Koi aisi jagah pe agar koi kapha dosh wali personality hai jahan pe कॉन्स्टेंट बारिश ही होती रहती है, यू नो, जैसे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है जहां पे बहुत बारिश होती है. ऑल राइट, अगर कोई कफा दोष पर्सनालिटी वाला है और वो वहां पे रह रहा है, या वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे साल में 8 महीने बर्फ ही रहती है या विंटर ही रहता है, यू नो सर्टन प्लेसेस लाइक दैट, देन यू थिंक इज गोइंग टू अग्री विथ देम? अगर किसी को बहुत जल्दी सांस की तकलीफ हो जाती है, रेगुलर यू नो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम बना ही रहता है, then that staying in that climate, in that environment is going to make it worse for them. तो उनके लिए best suited environment क्या है, जो warm और dry रहे. Okay, जहां पे there is a balance of seasons, that is why places that are most favorable, जब गर्मी होती है तो हम दो चार दिन के लिए हम hill station वगैरह पे जाते हैं. You think पूरा time hill station पे रहना हर किसी को suit नहीं करेगा?
You're getting it? So that balance is very important. Now, when we talk about environment, it also relates to the environment at home. Remember, मैंने आपको last time कहा था कि अगर आप त्रिदोष के concept को अच्छे से समझ जाते हैं, it will also help you in improving your relationships. तो ये बहुत सारे conflict जो हमारे में unnecessarily होते हैं, क्योंकि हमको वो knowledge नहीं होता है. तो जैसे like I said कि adolescence में teenage में बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं. Being lazy is one thing and being governed by the energy is another thing. So one needs to differentiate between that. दूसरा ये है कि अननेसेसरीली माँ बाप अगर उनको टोकते रहे कि तेरे को तो और कुछ काम ही नहीं है, यू हैव नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल यू डू इज स्लीप, यू नो, इमेजिन द एनवायरमेंट ऑफ द हाउस. तो कफ दोष के लिए जो ऑपोजिट है या जो उनके लिए मोस्ट कंड्यूसिव है इज अ वार्म एंड ड्राई एनवायरमेंट. यू नीड वार्म्थ क्योंकि ऑलरेडी जमीन का भी कूलिंग टेंडेंसी है नेचुरली, ऑफकोर्स नॉट सीमेंट बट मिट्टी, एंड पानी का भी कूलिंग है, तो दे नीड अ वार्म एनवायरमेंट. इज दैट मेकिंग सेंस? ओके, दीज आर स्टिल वेरी ब्रॉड पॉइंटर्स, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट लाइक आई सेड. तो एक्सरसाइज इनके लिए कौन सी बेस्ट होगी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एक्चुअली कफ दोष वालों के लिए वो एक्सरसाइज सबसे ज्यादा अच्छी है जिसमें पसीना निकल आए, है कि नहीं? क्योंकि उनकी जो नेचुरल तासीर है वो ठंड की है या ठंड पकड़ने की है, तो उनके लिए एक्सरसाइज ऐसी चाहिए जिसमें दे ब्रेक इनटू अ स्वेट. तो टू गिव यू एन एग्जांपल, बिकॉज यू आर ऑल योगा स्टूडेंट्स, हम लोग जो क्रियास करते हैं ना, कभी कभी हम आसन की क्लास करते हैं जिसमें हम ज्यादा होल्ड करते हैं, क्रिया की जो क्लास होती है जिसमें हम होल्ड नहीं करते हैं, हम रेपिटेशन ज्यादा करते हैं, वी आर ऑलवेज मूविंग. दैट इज वॉट द कफा दोष पीपल विल लाइक एंड इट विल सूट देम द मोस्ट. So for them, any exercise which makes them break into a sweat, cardio kind of exercises are very good for kapha dosh people. Also understand they have a tendency to put on weight more easily. So they need to move more, right? Agar wo rahi jayen, baithi jayen, to hum sabko pata hai ki sedentary lifestyle se kya kya ho sakta hai. That is why they need to be more mobile. So I hope that is clear. Okay? So now we come to the food part. We've already looked at the क्वालिटीज के ठंडी पकड़ने का ज्यादा स्कोप है, ऑलरेडी पानी है, पृथ्वी है, उसका ज्यादा प्रिडोमिनेंस है, तो उनके लिए खाना कौन सा बेस्ट रहेगा जो वार्म हो? ठंडी चीजें खाने से ज्यादा ना, व्हेन वी से ठंडा, वन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रकृति ऑफ द फूड दैट इज बीइंग कंज्यूम. ओके, तो कुछ खाना है जो आपको ठंडी, जैसे जो छास होती है, हम छास गर्मी में तो डेफिनेटली लेते हैं because it has a cooling tendency, right? But a lot of you may be surprised to know ke dahi as such is not cooling in nature. Dahi is dense. Jab hum usme pani dalte hain, usko dilute karte hain, tab wo uska cooling tendency banta hai. Correct? Uske liye usme jal dala jata hai. To kapha dosh agar predominant hai, to tab aap chhas nahi piyenge, tab aap kadha piyenge, tab aapko garam pani peene ka man karega, tab aap steam lenge. ताकि अगर कंजेशन है चेस्ट में तो वो निकल जाए गर्मास से. मेकिंग सेंस? तो कफ दोष के लिए दे शुड बी हैविंग वार्म फूड. दे कैन हैव ड्राई फूड. ड्राई फूड में लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सैलड्स. जैसे मूली है फॉर एग्जांपल, मूली है वो ड्राई है ना, बहुत ज्यादा जूसी नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसमें से पानी नहीं निकलेगा. बीट रूट है वो ड्राई है, इट इज नॉट गोइंग टू बी टू वॉटरी और जूसी. करेक्ट? तो कफ दोष अगर है तो उनके लिए वार्म, या आपको भी लगता है कि कफा इस समय मेरा बढ़ गया है, मुझे सर्दी ज्यादा है, देन यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस. इट हैज टू बी लाइट बट इट हैज टू बी नरिशिंग. अगर कफा दोष वाले बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करने वाली चीजें खाएंगे या बहुत ज्यादा कैलोरी रिच खाना रेगुलर बेसिस पे खाएंगे, देन इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब देम. इट इज गोइंग टू लीड टू विकृति और डिस्टर्बेंस इन द बॉडी. मेक सेंस? इफ यू कैन मेक सेंस ऑफ वन, देन यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ द रेस्ट. So just give me a thumbs up if you think okay, हाँ ये science समझ में आ रहा है. Okay, it's a very cohesive thing. Okay, now we go to pitt. Pitt जो दोष जो है जो बना है और दो महाभूत का, which is अग्नि and जल. अग्नि and जल. So now I'm going to give you a minute. Some of you may have already thought of it. सबसे best source या the primary source of अग्नि is obviously the sun. सूरज से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, राइट? तो व्हेन यू थिंक ऑफ द सन, व्हाट आर द क्वालिटीज, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट यू विल एसोसिएट विद द सन? जस्ट टेक
a few seconds and think about it. You don't need to share, but just think. You think of a bright, shiny sun and what qualities come to your mind. Those are the qualities of the Pitta dosh. Of course, jal bhi hai, to uska bhi thoda hoga, lekin primarily vaisa hoga. So the qualities are hot. Obviously, you can't think of the sun without thinking of heat. So the qualities are hot. It is sharp. Sun rays are sharp, na? And they are penetrating. Hai ki nahi? To agar aapne ek glass mein pani bhar ke bhi dhoop mein rakh diya hai, to wo pani ka glass aur wo pani dono ka temperature change hoga ki nahi? Hoga na, because it is penetrating. It can go through. Wo cheer ke andar ja sakta hai aur usko wo influence kar sakta hai. And it is slightly oily. Okay? Jab hum log dhoop mein nikalta hai, pasina nikalta hai. Aur jinki skin oily hoti hai, unki skin se aur oil nikalta hai. That is the easiest way I can explain it. Okay? So these are the qualities of Pitta dosh. So body mein heat zyada hona, oiliness zyada hona, wo acidity zyada hona, ye sare jo hai, we know ke Pitta dosh agar aggravated hai, to ye sab hoga. What are the opposites? The opposites will already obviously be cool. और अगर हमको वाटर भी हम देखें जो हमने पृथ्वी में भी देखा था तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी मॉइस्ट ना जहां पे पानी है वहां पे मॉइस्चर होगा तो आपको उसको सुखाना पड़ेगा तो द ऑपोजिट विल बी ड्राई पित्त का जो ऑपोजिट क्वालिटी है दैट इज ड्राई सॉफ्ट एंड कूल सनलाइट कैन बी हार्श है ना इट कैन बी हार्श ऑन द स्किन इट कैन बी हार्श ऑन द टेम्परेचर तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए Dry, soft and cool. Got it? Okay. तो सबसे best environment इनके लिए कौन सा होगा अगर जिनका पित्त दोष बहुत ज्यादा तो it is so nice that Kajal is present in today's class and Kajal is an old student and she had told me कि मैं धूप में जाती हूँ ना तो मेरा तो सर दर्द होना ही होना है मतलब बहुत ज्यादा hot environment जो है वो अगर पित्त दोष आपका already high पे है या आपकी वो primary दोष है तो धूप में निकलने में विदाउट एनी कवर अगर आपने छतरी नहीं ली है या ऐसा कुछ कवर नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा पीपल हु हैव माइग्रेन का टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा धूप में निकलेंगे वो उनको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा सो इफ वी नो दीज थिंग्स देन वी कैन फाइंड अ वे टू प्रिवेंट इट अब अपने हाथ में तो नहीं है ना कि अभी धूप है आपको कुछ काम आ गया बोलोगे अभी तो धूप है मैं तो शाम ढलने के बाद ही बाहर जाऊंगी वी डोंट हैव दैट लिबर्टी बट वी कैन ऑलवेज गो आउट विद एन अम्ब्रेला और वी कैन ऑलवेज यूज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इफ अवेलेबल जो कवर्ड हो ताकि आप उसको प्रोटेक्ट कर सके राइट तो दीज आर पीपल जिनके लिए बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगहों पे रहना या उसमें बिना किसी प्रिकॉशन के ऑपरेट करना कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग उनके लिए बेस्ट क्या है अ काम एंड रिलैक्स्ड एनवायरमेंट बोथ एक्सटर्नली एंड इन द हाउस एंड ऑल्सो विद इन देमसेल्व्स ओके अ काम एंड रिलैक्स तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है या तो उस समय उनका पित्त दोष में इम्बैलेंस है या हो सकता है कि वो पित्त प्रिडोमिनेंट पर्सनैलिटी हो अब वो ऑलरेडी उनकी वैसी टेंडेंसी है और अगर घर का माहौल इज ऑलरेडी गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेसफुल वेरी लाउड दे कैन बी वेरी सेंसिटिव टू लाउड साउंड्स तो अगर ऑलरेडी वैसा है और घर का माहौल भी ऐसा है तो उनको और तकलीफ होने वाली You getting it? Are you able to connect the dots? If you can connect the dots, then you can use it all your life to your advantage. Okay? So, wo unke liye sabse zyada suitable hoga. Then we come to exercise. Already inke body mein agar kisi ko bahut zyada acidity hai, hyper acidity hai, acid reflux hota hai, matlab body ka jo temperature hai, wo already garmi wala hai. Agar ye bahut zyada intense exercise karenge, to kya hoga? बॉडी टेम्परेचर और बढ़ेगा सो दे नीड टू डू मोर ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट कीप देम काम रादर देन इंक्रीज द टेम्परेचर तो हालांकि प्राणायाम सबके लिए बेनिफिशियल है फॉर दीज पीपल प्राणायाम वर्क्स वंडर्स क्योंकि वो उनको शांत कर सकता है ना आप इतने टाइम से प्राणायाम करते आ रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है इसीलिए जब किसी को गुस्सा आता है तो हम क्या बोलते हैं गहरी लंबी सांस भरो ना टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स जैसे अगर गुस्से में आप रिएक्ट करने से पहले थोड़ा आप खुद को शांत करो देन यू से व्हाट यू हैव टू से तो आपका जल्दी झगड़ा नहीं होगा या आप एमिकेबली किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आप निकाल पाए मेक सेंस है ना तो उनके लिए उस टाइप की एक्सरसाइज जो उनको शांत रखे सो एक्चुअली योगिक प्रैक्टिसेस और एनी प्रैक्टिसेस दैट अलाउ देम टू काम डाउन
rather than something that makes them very competitive, it is going to aggravate the pitta further. Okay, now we come to the food part. Already agar garmi zyada hai और आप बहुत ज्यादा गर्म वाली चीज है. When I say गर्म, I am not just talking about temperature. ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ ठंडा ठंडा ही खाना है. Obviously they can have warm food. लेकिन अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हो जो बॉडी में और गर्मी पैदा करेगी तो वो आपको तकलीफ देने वाली. सो वेन अ वुमन इज प्रेगनेंट शी इज एडवाइज नॉट टू ईट सर्टन थिंग्स ना लाइक गोंद. लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है वैसे कि बस गोंद के लड्डू तो आपको खाने है कि नहीं. तो देर आर टाइम्स वेन सर्टेन स्टेजेस ऑफ योर लाइफ जो कुछ चीजें आपके लिए मरहम का काम करेंगी, कुछ चीजें आपके लिए तकलीफ पैदा करेंगी. वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट. तो अगर पित्त पर्सनालिटी वाले लोग बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मिर्ची खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बॉडी के अंदर और गर्मी पैदा करने वाली है लाइक खड़ा गर्म मसाला एक्सेट्रा, इफ अ कफ पर्सनैलिटी हैज इट, इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट इट दैट मच बिकॉज उनकी तो शीतलता वाली पर्सनैलिटी है, कूलिंग वाला है. तो वो अगर खड़ा गर्म मसाला ज्यादा अपने खाने में लेते हैं, ज्यादा तो नहीं बोलूंगी बट अगर मॉडरेटली लेते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हैम्पर देम. बट फॉर अ पित्त पर्सनैलिटी इवन दैट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग. ओके, सो दे नीड टू हैव, एवरीबडी नीड्स टू हैव नरिशिंग फूड. ऐसा नहीं है कि आपको खाना कम खाना है, आपको खाना सही मात्रा में खाना है और अपनी प्रकृति से मिलता जुलता खाना आपको खाना है. सो लाइट एंड कूलिंग फूड्स, जैसे इनके लिए छास इज वेरी गुड है ना. फॉर कफ दोष पर्सनैलिटी दही, एक्चुअल दही इज हीटिंग इन नेचर, दही इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, लेकिन छास जो है इज कूलिंग इन नेचर. तो उनको कूलिंग वाले फूड्स जो है वो ज्यादा सूटेबल है, लाइट फूड उनको ज्यादा सूटेबल है, मीनिंग नॉट टू हीटी. जैसे तरबूज जो है, वॉटरमेलन, वी नो इट इज कूलिंग, इट इज सो वॉटरी है कि नहीं. तो जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है हमको प्यास ज्यादा लगती है. अगर हम यूजुअली दिन में एक बार नहाते हैं, गर्मी के मौसम में हम दो बार नहाते हैं. क्यों? क्योंकि वो पानी हमको कूल करेगा. तो कूलिंग वाली जो चीजें हैं, ज्यादा वॉटरी जो चीजें हैं, क्योंकि इसमें पित्त में अग्नि है तो उसको आप ऑपोजिट दोगे तो वो उसको ज्यादा सूट करेगा ना. गॉट इट? तो अगर ये लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी लेते हैं, स्पेशली अगर खाली पेट, खाली पेट तो किसी को भी, अगर अनलेस आपकी खुद से कोई दुश्मनी है तो आप खाली पेट चाय कॉफी पिए, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. लेकिन अगर खाली पेट ये लोग चाय कॉफी लेते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, देर इज अ ब्यूटिफुल टर्म कॉल्ड हैंग्री, मतलब जब भूख लगती है और खाना नहीं मिलता है तो उनको गुस्सा आता है. इट इज कॉल्ड हंगर प्लस एंगर, सो इट इज कॉल्ड हैंग्री. पित्त दोष में हैंग्री होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इफ दे डोंट ईट ऑन टाइम, इफ दे डोंट गेट फूड ऑन टाइम. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर पर्सनैलिटी, द एंगर विल जस्ट स्काई रॉकेट क्योंकि वो भूखे हैं. तो पित्त वालों को कभी भी जो है अपने खाने पीने के टाइम के साथ में, द मोर दे आर डिसिप्लिंड द बेटर इट इज फॉर देम, नहीं तो लॉन्ग रन में इट इज गोइंग टू एग्रवेट. ओके, चलिए नाउ वी कम टू वात. तो वात की क्वालिटीज क्या है? वात इज मेड अप ऑफ स्पेस एंड एयर, तो आकाश और वायु. तो व्हेन यू लुक एट आकाश और व्हेन यू थिंक अबाउट एयर, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड? Those are the qualities of Vata dosh. ठीक है? Now you understand कि ये एक ही ऐसा दोष है जिसमें ये दोनों हैं. बाकी किसी भी दोष के अंदर there is a combination of पृथ्वी, जल एंड अग्नि in the other two दोष. बाकी के दो दोष में, कफ और पित्त में, ना आकाश है ना वायु है. और ये जो एक दोष है ये थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि ना इसमें पृथ्वी की स्टेबिलिटी है, ना इसमें अग्नि का वो हीट है, ना इसमें जल का वो मॉइस्चर है. सो इट इज यूनिक इन इट्स ओन राइट. सो नॉट टू स्केयर यू बट एज पर आयुर्वेद, अगर किसी का प्रिडोमिनेंट दोष वात है, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल टू डिजीज़. सबसे ज्यादा जो बीमारी का अलग अलग टाइप की, ओके, कुछ भी इम्बैलेंस होने का सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है वो वायु दोष या वात दोष है. सो इफ यू कोरिलेटेड ब्यूटिफुली विद द लाइफ साइकिल, 40 एंड अबव इज व्हेन वात दोष के प्रेडोमिनेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि 40 साल के ऊपर का हर आदमी वात दोष उसका प्रेडोमिनेंस है, ऐसा नहीं है, पर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, दैट इज व्हाई वी डोंट एसोसिएट, इफ समबडी डाइज प्रीमेच्योरली वी आर सो शॉक्ड.
इतना कम उम्र में हाउ डिड दिस पर्सन डाई. वी डोंट एसोसिएट डेथ, वी डोंट एसोसिएट एक्सट्रीम इलनेस और सिकनेस विथ यूथ, वी एसोसिएटेड विथ ओल्ड एज. इफ वी कम टू नो समबडी इन हिज 70s पास्ट अवे, वी आर नॉट शॉक्ड, इट इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड. हमको इतना धक्का नहीं लगता है ना, क्यों नहीं लगता है हमको, क्योंकि वी एसोसिएटेड विद दोस थिंग्स. अच्छा ओल्ड एज है, कुछ हो सकता है, विच इज नॉट एन एक्सक्यूज टू से अभी ओल्ड एज है तो बीमारी तो आने वाली है, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. आई एम जस्ट सेइंग कि हमारा ये जनरल परसेप्शन होता है कि अगर कोई बहुत कम आयु में गुजर जाता है तो वी आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ इट, बट ओल्ड एज वी सॉर्ट ऑफ एसोसिएट. व्हाई? बिकॉज अगर हमारे दोष बैलेंस नहीं है और वायु दोष, दैट इज व्हाई इट इज सेड ना कि यू आर मोस्ट वल्नरेबल. अगर आपका वायु दोष ज्यादा प्रिडोमिनेंट है क्योंकि आपके पास ये बाकी सारी चीजें अगर बैलेंस में नहीं है, पंचमहाभूत तो हम पांचों के बने हैं, तो अगर उसमें से दो ही काम कर रहे हैं और बाकी तीन नहीं काम कर रहे हैं या एक्सेस में काम कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस होगा, विकृति होगी. दैट इज व्हाई त्रिदोष का बैलेंस होना इज व्हाट आयुर्वेद एम्फसाइजेस ऑन. तो नाउ वी कम टू द क्वालिटीज ऑफ वाता दोष. लाइक वी सेड, इट इज देयर इज नो मॉइस्चर, क्योंकि क्या है, आकाश है और वायु है. तो आप बोलोगे आकाश है तो बादल, काला बादल होता है उसमें से ही तो पानी आता है, लेकिन वो पानी आता है वो जल का महाभूत हो गया, वो आकाश का महाभूत नहीं है ना, आकाश की क्वालिटी नहीं है. तो द क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद दीज आर ड्राइनेस, है ना, ड्राइनेस होगा, स्पेस है, वायु है. अगर बारिश हो रही है और आप बारिश में भीग रहे हो तो पानी आता है, दैट इज जल. लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हवा चल रही है और आपको उसमें से ठंडक मतलब बहुत ज्यादा मिलेगी ना, या आपको मॉइस्चर मिलेगा, वो आपको हवा से नहीं मिलेगा, वो आपको जल से मिलेगा. तो यू नो गर्मी में लू चलती है कुछ जगहों पर, लू चलती है, और यू नो देर इज सैंड स्टॉर्म, दीज आर ऑल ड्राई थिंग्स, नो देर इज नो मॉइस्चर टू इट. मॉइस्चर विल बी इन अ हरिकेन. यू गेटिंग द पॉइंट है कि नहीं? तो देर आर डिफरेंट थिंग्स. तो ड्राइनेस, लाइटनेस, रफनेस, दीज आर ऑल क्वालिटीज ऑफ वाता दोष. क्योंकि पानी नहीं है ना, तो आपने देखा है कि सर्दी के मौसम में हमारी स्किन ज्यादा ड्राई होती है, स्केली होती है. आपको स्किन पे वो जैसे सांप की स्किन होती है, स्केल्स आपको दिखते हैं. फिर हम लोग क्या करते हैं उसको, हम मॉइस्चराइज करते हैं. और किसी मौसम में हम करें या नहीं करें, लेकिन ठंडी में मॉइस्चराइजर ज्यादा बिकता है डेफिनेटली, क्योंकि हमको जरूरत पड़ती है उसकी. सो अंडरस्टैंड कि अगर वाता दोष का प्रिडोमिनेंस है, देन यू नीड टू सप्लीमेंट इट ऑल्सो अकॉर्डिंगली, ताकि वो आपको ज्यादा विकृति ना दे. सो ड्राइनेस, लाइटनेस, रफनेस, कोल्ड. ओके, तो हवा ठंडी भी होगी, ठंडी के मौसम में ऑब्वियसली ठंडी हवा चलेगी. सो कोल्ड, अगेन पेनिट्रेटिंग, बिकॉज हवा को आप रोक नहीं सकते हो ना. जब हम घर बंद करके अगर 4 दिन बाहर भी जाते हैं, तो क्या घर के अंदर वापस आने के बाद धूल होती है कि नहीं होती है? आप तो सब कुछ पैक करके गए थे, लेकिन धूल होती है, बिकॉज वो हवा के साथ आएगी और हवा को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी. सो इट इज पेनिट्रेटिंग एंड इट इज मोबाइल. हवा ठहर नहीं सकती है, आकाश ठहर नहीं सकता. इसीलिए घर, कोई भी सॉलिड चीज आप जमीन पे बनाओगे, पेड़ जमीन पे उगेंगे, करेक्ट? एनीथिंग दैट नीड्स रूटेडनेस विल बी हियर. अदरवाइज द क्वालिटी ऑफ एयर एंड स्पेस इज मूवमेंट, विच इज ऑल्सो वॉट वाता इज ऑल अबाउट. तो अगर वाता दोष ज्यादा है, you have to use the opposites to your advantage to bring it into balance. So what are the opposites? Obviously, looking at a few, you need warm, you need something warm because ye cooling hoga. You need oily kyunki ye bahut dry aur rough hoga. So think of a moisturizer, think of a moisturizer. So you need oiliness, you need something that is smooth because these things are rough. तो देखो सिंपल, अगर आप बाइक पे जा रहे हो या आप गाड़ी में भी जा रहे हो और विंडोज खुले हैं, एसी बंद है, विंडोज खुले हैं, तो इतनी हवा आपको लगती है ना, उसके बाद में आपके बाल कैसे फील होते हैं? दे फील ड्राई, यू नो, ऐसे रफ फील होते हैं ना अपने को. फिर आप उसको संभल संभल के कोम करोगे क्योंकि उसमें नॉट्स भी ज्यादा हो जाएंगे, दे बिकम रफ. देन यू से कि अभी इसको थोड़ा चंपी करना चाहिए, थोड़ा इसको ऑयल लगाना चाहिए, देन आई विल वॉश इट ऑफ. मेक सेंस? वेरी सिंपल. ओके, so when you know this you can use it to your advantage. to inke liye sabse zyada suitable climate kya hoga? God help those who have a predominant vata dosh and they stay in places which are very arid in nature. agar aap
राजस्थान जैसी जगह में रह रहे हो, आप दुबई जैसी जगह में रह रहे हो जो एक्चुअली डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या है, हवाई चलती है ना ज्यादा, बारिश तो होती नहीं है इतनी, करेक्ट? तो अगर ऐसी जगह में रह रहे हैं तो उनको दे नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर, यू नो, वो पुराने जमाने में तो डॉक्टर वुड टेल यू कि थोड़े दिन ना यू गो टू सम अदर प्लेस, थोड़ा आपका हवा पानी बदलेगा। तो हम भी जब गर्मी आती है तो ऑब्वियसली वी गो टू अ कूल प्लेस फॉर वेकेशन। गर्मी में कोई राजस्थान में या दुबई में इतना घूमने के लिए नहीं जाएगा ना, बिकॉज ऑब्वियसली वो और ज्यादा गर्म होने वाला है। यूल गो टू अ कूलिंग प्लेस व्हेन देर इज यू नो, सो पीपल फ्रॉम अब्रॉड, जब वहां पे बहुत समर होगा या वहां पे विंटर बहुत ज्यादा होगा, बहुत स्नोई है, देन दे विल कम टू प्लेसेस लाइक इंडिया, यू नो, दे विल हैव देयर फिक्स टाइम्स व्हेन दे विल लाइक टू मेक अ ट्रिप बिकॉज इट्स गोइंग टू बी मोर प्लेजेंट ऑन देम। यू गेटिंग इट? सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस। सो फॉर वाता दोष द मोस्ट सुटेबल एनवायरमेंट इज दैट ऑफ अ मॉडरेट क्लाइमेट रादर देन समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी ड्राई एंड वेरी कोल्ड विल नॉट वर्क फॉर देम। देखो ये जो है ड्राइनेस रफनेस वाता में, ये स्किन का ड्राई होना, इट ऑल्सो ड्राइज अप द फ्लूइड इन द बॉडी। तो ये जो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी जो चीजें हैं, जब बोलते हैं कि हमने लास्ट टाइम भी सुना था कि बॉडी के अंदर यू नो बोलते हैं कि आपके कार्टिलेज के अंदर का फ्लूइड सूख गया है या आपके नी जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है वो सूख गया है, तो दैट इज अ साइन ऑफ वाता, राइट? तो फिर बोलते हैं कि मसाज करवाओ। मसाज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी कैन डू, दैट एवरीबडी कैन डू, लेकिन वाता को पैसिफाई करने के लिए, मॉइस्चराइजिंग ना, तो आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है, अगर आप मालिश नहीं करवाओगे तो इचीनेस भी होता है, जहां ज्यादा ड्राइनेस होता है वहां पे इचीनेस ज्यादा होता है। आई हैव गॉन टू दुबई वंस एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड, और मैं तो फेब्रुवरी के महीने में गई थी, एंड आई आई हैड गॉन आई स्टेड विद अ फ्रेंड, तो मैंने उसको कहा जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना मुझे क्यों इतनी इचीनेस हो रही है, मुझे स्किन में कभी ऐसे खुजली नहीं आती, व्हाई इज दिस हैपनिंग? शी सेड बिकॉज दैट इज व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे तो हो गई क्योंकि ये डेजर्ट है तो तुमको खुजली आएगी, मॉइस्चराइज ज्यादा करो। सो वो वाता पर्सनैलिटी गेटिंग अ मसाज रेगुलरली इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, इट पैसिफाइज द वाता बिकॉज यू आर सप्लीमेंटिंग, इट्स लाइक मॉइस्चराइजिंग ना, ये ड्राई है रफ है तो उनको वो ऑयलीनेस अच्छा लगेगा, दैट इज द ऑपोजिट, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, ओके? सो दैट इज हाउ दे टेक केयर ऑफ, दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ्स। सो मॉडरेट क्लाइमेट जहां पे सब कुछ बैलेंस में हो वो सभी के लिए काम करेगा, बट वाता के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो बहुत ज्यादा ड्राई वाले एरिया से दूर रह सके या अगर दैट इज एन ऑप्शन देन दैट वर्क्स बेटर फॉर देम। अब इनके लिए एक्सरसाइज कौन सी अच्छी रहे, बहुत ड्राइनेस है और स्टेबिलिटी नहीं है, है ना, क्योंकि सिर्फ वायु है और आकाश है, तो इनको ग्राउंडिंग वाली एक्सरसाइज जो उनको स्टेबिलिटी दे सके दैट वर्क्स बेस्ट। तो इनके लिए क्रियाज, इनके लिए यू नो अभी व्हाट हैपेंस इज ना, हम लोग अपने आसपास में इतना देखते हैं और हम अंधाधुंध चीजें फॉलो करते हैं, विच इज द बिगेस्ट डिससर्विस वी कैन डू टू आवर सेल्फ। तो कुछ सालों से ना मैराथन का बहुत क्रेज है, पहले ड्रीम रन करेंगे, फिर 10 किलोमीटर करेंगे, फिर हाफ मैराथन करेंगे, फिर फुल मैराथन करेंगे, फिर साल में पता नहीं कितने मैराथन करेंगे। अगर किसी का वाता पर्सनैलिटी है, वाता दोष इज प्रेडोमिनेंट, इट इज गोइंग टू बी अ टॉर्चर फॉर द बॉडी बिकॉज ऑलरेडी इतना मूवमेंट है बॉडी के अंदर, अगर आप फिजिकली भी वही करने लगेंगे, उसी एनर्जी को आप ज्यादा फ्यूल करेंगे, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट विकृति और डिस्टर्बेंस इन द बॉडी। तो उनको ग्राउंडिंग चीजें चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए या उनको बैठ ही जाना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग बिकम सेडेंट्री, बट स्ट्राइक अ बैलेंस। सी द डे व्हेन वी वॉक अलॉट, ऐसा रोज तो नहीं होता है ना कि हम 10,000 स्टेप 20,000 स्टेप रोज नहीं होता है, लेकिन जिस दिन हमने बहुत कर लिया, समझो आपके यहाँ पे कोई मेहमान आए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनको घुमाने ले जाना, साइट सीइंग के लिए आप उनको ले जाओगे, आज आप मॉल में भी लेके जाओगे तो आपको कितना चलना पड़ता है, अगर आप 1 घंटा मॉल में अगर आपने 15 दुकान छान ली ना तो आराम से आपके 5 से 10 हजार स्टेप के बीच में हो सकता है, करेक्ट? तो अगर आप कॉन्स्टेंटली वो करते हो, 4 दिन कोई मेहमान आया और 4 दिन आप उसको साइट सीइंग ले जा रहे हो, ये दिखाया वो दिखाया, चले फिरे, उसके बाद व्हाट डज योर बॉडी वॉन्ट? इट वॉन्ट्स अ ब्रेक नो, इट वॉन्ट्स टू जस्ट बी के यार अभी अभी इतना मैं 1-2 दिन तो मैं कहीं नहीं जाऊं, करेक्ट? सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट नो, दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि ये लोग ग्राउंडिंग वाली प्रैक्टिस करें। तो इनके लिए हर एक
नॉनस्टॉप कार्डियो करना, नॉनस्टॉप उछल कूद वाला करने से, बहुत ज्यादा स्किपिंग करने से, बहुत ज्यादा रनिंग करने से, स्टेडी लाइक योगा हो गया, पिलाटिस हो गया, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, होल्डिंग द पोजेस मोर इज व्हाट विल वर्क फॉर वाता पर्सनालिटी। ओके, बैलेंस इज ओके। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि दिन के 10 सूर्य नमस्कार आप करें तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप रोज 108 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो वो किसके लिए भी अच्छा नहीं, पित्त के लिए तो बिल्कुल, बिकॉज सूर्य नमस्कार इट इज द सन थिंग, इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर हीट एंड इम्बैलेंस इन द बॉडी। ओके, वाता के लिए भी टू मच मूवमेंट, एवरी सूर्य नमस्कार हैज 10 स्टेप्स, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 108 इट इज नॉट गोइंग टू। ओके, फॉर कफा पर्सनालिटी दे नीड टू ब्रेक इन टू अ स्वेट, सो उनको 108 सूर्य नमस्कार इज नॉट गोइंग टू बी सो डिस्टर्बिंग फॉर द बॉडी। हैविंग सेड दैट, उसका ये मतलब नहीं कि रोज 108 सूर्य नमस्कार, यू गेटिंग इट, बैलेंस इज वॉट इज इम्पोर्टेंट। तो इनके लिए ग्राउंडिंग वाले, वाता वालों के लिए ग्राउंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑल राइट, देन वी कम टू द फूड पार्ट। ऑलरेडी इनका प्रकृति इज ड्राई एंड रफ एंड लाइट एंड कोल्ड, तो उनको क्या खाना ठीक रहेगा? उनको वो खाना ठीक रहेगा जो वॉर्म है, जो मॉइस्ट है कि नहीं? ऑलरेडी ठंडी इनमें ज्यादा है तो इनको वॉर्म ही खाना चाहिए, इनको कुक्ड खाना खाना चाहिए। नाउ व्हाई द एम्फेसिस ऑन कुक्ड फूड? द आयरनी ऑफ आवर टाइम्स इज के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो हमको लगता है कि अभी अभी तो उतनी पाचन शक्ति नहीं रही है, अभी वजन बहुत ज्यादा, स्पेशली विथ वुमेन व्हाट हैपेंस आफ्टर मेनोपॉज। नाउ मेनोपॉज के साथ में भी वाता कैन इंक्रीज। ओके, तो हॉर्मोन्स हमारे चेंज हो जाते हैं, तो अ लॉट ऑफ वुमेन स्टार्ट एलिमिनेटिंग, समटाइम्स टू लूज वेट और टू कीप वेट इन चेक, दे स्टार्ट एलिमिनेटिंग फूड ग्रुप्स। ये जो फैट डाइट्स का आ गया है ना कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, आप कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दो, तो आप चावल बंद कर दो, आप रोटी बंद कर दो, आप ज्यादा फैट मत खाओ, मतलब आप घी तेल तो आप बंद ही कर दो, वो तो आपके खाना ही नहीं चाहिए, बट वी नीड ऑल ऑफ दैट इन द राइट प्रपोर्शन। तो अगर ऑलरेडी इनके बॉडी में लुब्रिकेशन कम हो गया है, ड्राइनेस ज्यादा है, लाइटनेस ज्यादा है, जल कम है, अगर आप उसको सप्लीमेंट नहीं करोगे विथ वॉर्म मॉइस्ट ऑयली फूड्स तो कैसे चलेगा? इट हैज टू बी द डायट हैज टू बी कस्टमाइज फॉर योर रिक्वायरमेंट, राइट? सो दे नीड थिंग्स लाइक घी एंड ऑयल इन द डायट। व्हाट दे शुड नॉट हैव आर रॉ फूड्स और ड्राई फूड्स। जो ऑलरेडी सूखा है, आपकी बॉडी ऑलरेडी अंदर से सूखी है, उसको आप और सूखा सूखा खाना खिलाओगे या रूखा सूखा खाना खिलाओगे तो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क, है ना? तो व्हाट डज आयुर्वेद से? आयुर्वेद सेज कि आप अपनी मील के अंदर घी ले इन द राइट प्रपोर्शन। तो जैसा हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, जैसे महाराष्ट्रियन स्वेयर बाय वरण भात, दाल चावल, ट्रेडिशनली वरण भात के ऊपर दे विल ऐड अ लिटिल तूप और घी। तो इफ यू, अभी गणपति आएगा, आई एम अ बिग फैन ऑफ उकड़ीचे मोदक, वो जो स्टीम्ड मोदक होते हैं, जो चावल के आटे के अंदर देर इज अ फिलिंग ऑफ जैगरी एंड कोकोनट एंड घी एंड केसर समटाइम्स, तो उसको खाने का भी क्या तरीका होता है कि यू ओपन द टॉप ऑफ द मोदक, यू एड अ लिटिल घी एंड यू हैव इट दैट वे। तो जो गुजराती होते हैं, देर इज सूरती, सूरत की बहुत फेमस है द घारी, है ना? घारी के नॉट बी मेड विदाउट घी। सो इफ यू लुक एट आर हेरिटेज रेसिपीज, इफ यू लुक एट आर एयरलूम रेसिपीज, नोबडी सेज के ना कि दिन की 10 घारी खाओ या 10 उकड़ी के मोदक खाओ, वो प्रपोर्शन में खाने की बात होती है। बट इफ यू स्टॉप ईटिंग, यू स्टॉप एलिमिनेटिंग, यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम योर डायट, देर इज गोइंग टू बी ट्रबल। इफ यू टेल अ पंजाबी कि तुमको राजमा चावल बंद करना है, तो राजमा चावल तो उनका इट इज द ट्रेडिशनल फूड, दैट इज वाई दे से ना कि इंस्टेड ऑफ ईटिंग इम्पोर्टेड फूड्स लाइक कीवी एंड आवोकाडो एंड केल एंड किनोआ, अपने यहाँ पे सब कुछ उगता है, तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग फैंसी यू ईट वॉट योर योर ट्रेडिशनल डायट हैज बिन लाइक, दैट इज वॉट योर बॉडी इज मेड अप ऑफ, दैट इज वॉट इट इज अकस्टम टू, दैट इज वॉट इट कैन डाइजेस्ट, बिकॉज देर इज कम्युनिकेशन बिटवीन फूड एंड द बॉडी। सो वाता वालों के लिए दे शुड अवॉइड ईटिंग रॉ फूड्स, सैलड्स आर नॉट गुड फॉर वाता दोष पीपल। सूखा है, रूखा सूखा है वो, तो वो वेट लॉस करने के लिए रात को तो मैं सिर्फ सूप और सैलड खाती हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू नरिश यू, इट इज गोइंग टू लीड टू डिस्टर्बेंस। वेट लॉस एट वॉट कॉस्ट? Are you just losing weight or are you losing vitality?
That is the question we need to ask ourselves. And usually the weight that you lose with fat diets is the muscle weight. It is not fat that you lose so easily. It is the muscle weight that goes down. Because aapke muscle jo hai na, muscle ke liye body ko bahut effort karna padta hai. Muscle banane ke liye, for 1 kg of muscle, the kind of nutrition, the kind of resistance exercise that you need is a lot more. तो अगर आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, मसल इज अ स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन. अगर आपके बॉडी को खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो मसल में से लीच करेगा लाइक अ पैरासाइट. वो ध्यान में रखना. तो अगर आपका क्विक वेट लॉस हो रहा है, यू लूजिंग मसल वेट. जब हम बीमार होते हैं, कोविड में इतने लोग हुए, या जब हम रेगुलरली भी, तो हमारे में एक्सरसाइज करने की ताकत नहीं होती है. कभी कभी अगर आप 7, 10 दिन, 15 दिन आप बीमार रहे, आप वेट चेक करेंगे, वेट आपका ड्रॉप होगा. वो आपका मसल वेट ड्रॉप हुआ, फैट वही का वही है. इसीलिए बीमारी से बाहर आके व्हेन वी रिज्यूम, देन वी गो बैक टू द ओरिजिनल वेट, व्हिच इज अ गुड साइन, व्हिच इज अ गुड साइन, दैट इज द बॉडी कमिंग बैक इनटू इक्विलिब्रियम. ओके, वरना तो जीवन में हम जितनी बार बीमार होंगे, इफ वी कीप लूजिंग वेट परमानेंटली, तो बुढ़ापा आते आते तो विल बी, मतलब विल डिसअपियर. ओके, सो फॉर वाता, कुक्ड मॉइस्ट फूड्स रादर देन रॉ एंड ड्राई फूड्स. ओके, एंड मसाज इज वेरी हेल्पफुल. हर किसी के लिए एक रूटीन होना और टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, ये सबके लिए जरूरी है. लेकिन ये वाता पर्सनैलिटी के लिए दिस इज नॉन नेगोशिएबल. इट इज नॉन नेगोशिएबल. तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो टाइम से उठे, टाइम से सोए, ताकि उनका जो बॉडी है वो कोप कर सके और वो हेल्दी रह सके. ओके, Now that we've covered it all, a few things as bottom line, जो मैं आपके साथ में share करना चाहती हूँ. Now that we know के ये दोष क्या होते हैं, we've understood के इनकी personality क्या है, ये कौन से दो पंच महाभूत के बने हुए हैं, इनका body के अंदर role क्या है, स्थान क्या है, और disturbance के कुछ चीजें we have identified. Okay? तो when you come to know के अभी मुझे लगता है कि मेरा ये वाला दोष थोड़ा सा disturbed है, now you start applying the knowledge that you have. Okay? So you modify your diet, your activity level and your lifestyle in accordance with the dosh. If a 60-year-old, I'm very happy ke pandemic mein kuch aise logon ne meri class join ki jinhone life mein kabhi yoga practice nahi kiya tha, asan practice nahi kiya tha. Some of them were 55 and I was thinking ke kaise hoga, inhone kabhi nahi kiya hai, plus ye online kar rahe hain to kaise hoga. Ab in that age they started yoga. Thankfully, some of them are still a part of my class, you know, since the past 3 years. But would it be advisable for them to start Zumba at that age? You know, jisme aap ek ghanta aap uchal kood kar rahe hain, aap bahut zyada movement kar rahe hain. To apne age ke anukool, you have to modify. Unless aapne, now for example, Milind Soman is also fit, 55 plus. But Milind Soman was a national level athlete. He is a man who's done a who's the iron man, जिसने आयरन मैन किया, जहां पे आपको कितने ही किलोमीटर स्विम करना होता है, बाइसिकल चलाना होता है और रनिंग करना होता है. दिस इज somebody who's been exercising since he was a child. तो इन ऑल लाइकलीहुड हिज बॉडी, हिज त्रिदोष इज गोइंग टू बी इन अ डिफरेंट स्टेट. सो वाइल आई एम नॉट सेइंग कि एज के हिसाब से ही आपको, अच्छा अभी ये वाला बर्थडे हो गया, नाउ एवरीथिंग हैज टू चेंज, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग यू रीड योर बॉडी साइंस and then you act in accordance with that. That is why during periods it is said, ये जो हम लोग को लगता है कि ये तो कितना blind सारा faith है कि periods हैं तो kitchen में नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है, बस आराम करना है, किसी से बात मत करो, because the body needs rest. Vata is predominant at that time. So a woman is given that liberty, given that time to stay grounded. इसलिए उनको बोलते हैं कि आप एक जगह पे बैठो, आप आराम से बैठो. Talking too much aggravates vata. इट इज मोटर मूवमेंट. हम लोग सूर्य नमस्कार के क्लास में अगर आप आर्म रोटेशन करते हैं प्रॉप के साथ, हम लोग मैक्सिमम 10 करते हैं. अगर आप वो 2 घंटा करते रहेंगे तो क्या होगा? 10 किया, बैलेंस में है, ठीक है. इफ यू डू इट फॉर 2 आवर्स यू विल गो क्रेजी. नो, यू आर एक्सेसिवली यूटिलाइजिंग दैट मोटर मूवमेंट. टॉकिंग एक्सेसिवली कैन एग्रवेट वाता. दैट इज वाई देर इज सो मच, एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट मौन. Because every religion is based on scientific principles. So Vipassana meditation, 10 din ki jo shivir hoti hai, you're expected to stay silent, mon. That is why in yoga we talk about pratyahar, withdrawal of senses, and we talk about swadhyaya, which is self-study. Hai na?
तो उससे भी इट कीप्स यू ग्राउंडेड. नो, द मोर स्टिम्युलेशन, द मोर यू यूज योर सेंसेस, द मोर योर माइंड इज वर्किंग, द मोर यू आर इन द पास्ट और यू आर इन द फ्यूचर, बट वेन यू आर इन द प्रेजेंट यू आर ग्राउंडेड. मेक सेंस? तो अपनी डाइट, एक्टिविटी लेवल और लाइफस्टाइल को अपने दोष के हिसाब से आप मेंटेन करें और मॉडिफाई करें, और इस चीज के प्रति अवेयर रहें कि दीज विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, बाय सीजन, बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाय द एनवायरनमेंट इन द हाउस, बाय योर स्ट्रेस लेवल्स एंड बाय योर थॉट प्रोसेस. एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो अ साइन ऑफ वाता. तो अगर ओवर थिंकिंग टेंडेंसी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू डू वॉट वाता पीपल शुड बी डूइंग टू मेंटेन दैट दोष इन हार्मनी. ऑल राइट. दूसरा, वी हैव टू अवॉइड द ल्योर ऑफ फैड डाइट्स, कि अब से मैं चावल खाना बंद कर दूंगी, अब से मैं रोटी खाना बंद कर दूंगी, अब से मैं सिर्फ सूप सैलेड खाऊंगी, नो घी, नो फ्राइड फूड, नथिंग फॉर मी. एवरीथिंग द बॉडी नीड्स इन बैलेंस. इन बैलेंस तो कफ दोष के लिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग फॉर एनी वन इज नॉट, लेकिन अगर कफ दोष की प्रिडोमिनेंट पर्सनैलिटी है और रोज वो कुछ फ्राइड खा रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो यू नीड द गुड फैट्स ऑल्सो इन अ सर्टन प्रपोर्शन. जैसे खाने में अगर आप खाना खा रहे हो तो बिना तेल के, बिना किसी फैट के तो आप खाना नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर आप कभी कभी होता है ना कि हमने होटल से कुछ मंगाया किसी रेस्टोरेंट से, एंड यू सी अ लेयर ऑफ ऑयल ऑन टॉप, मोस्टली वी आप नहीं खा सकते उसको, आपके गले से वो उतरेगा नहीं. सो इधर वी डिस्कार्ड दैट एंड देन वी हैव, और वी मिक्स इट इन सच अ वे कि वो पूरे इसमें घुल जाए, नहीं तो अगर किसी ने ऊपर से ही सर्व कर लिया तो आप नहीं खा पाओगे. अगर हम खा पाते उतना तो हम ऐसे ही तेल नहीं पी जाते. कोई पीता है क्या ऐसे ही तेल? नहीं पीते हैं ना हम. घी भी, अगर आपने हलवा बनाया एंड इट इज ओवरलोडेड विद घी, इट इज नॉशिएटिंग, योर बॉडी इज रिजेक्टिंग इट, योर टेस्ट बड्स आर रिजेक्टिंग इट, है ना? तो एनीथिंग इन एक्सेस, दैट इज व्हाट द बॉडी इज टेलिंग यू, इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सो वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम फैड एंड एलिमिनेटिंग डाइट्स. दूसरा क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ रूटीन. आयुर्वेद एम्फसाइजेस अ लॉट ऑन दिनचर्या, यू नो, डेली रूटीन. तो आयुर्वेद ने पूरा दिया है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक. एंड मैंने ये अभी शेयर नहीं किया, बट आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप. देर आर 24 आवर्स इन द डे, ओके, एंड एवरी द 24 आवर्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पीक टाइम्स ऑफ द त्रिदोषा. तो देर इज अ क्लॉक जब हमारे सर्टन दोष जो है वो प्रिडोमिनेंट होंगे. तो बहुत लोगों को सुबह उठ के छींक आती है, नाक गलने का टाइम यूजुअली कब होता है? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग. दिन में जब सूरज तेज होता है तब आपको इतना तकलीफ नहीं होगा, बिकॉज द क्लॉक इज लाइक दैट. सो आई विल शेयर दैट ऑन द ग्रुप, देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट इट मोर. सो मेंटेनिंग अ रूटीन, वेकिंग अप ऑन टाइम, ईटिंग एट रेगुलर टाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कभी आप 3 बजे लंच कर रहे हैं, कभी आप रात को 11 बजे डिनर कर रहे हैं, वंस इन अ वाइल वो हो गया किसी कारण से तो आपको इतना तकलीफ नहीं देगा, लेकिन अगर आपका रोजाना कहीं उठने, सोने का, खाने का कोई टाइम नहीं है तो वो तो बॉडी को डिस्टर्ब करेगा ही, क्योंकि वो इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉक ऑफ द दोषा. तो टाइम से खाना पीना, दैट इज व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू लिसन टू योर बॉडी. सो वॉट एवर पर्सनैलिटी यू मे बी, देर आर टाइम्स वेन योर एनर्जी इज गोइंग टू शिफ्ट एंड योर बॉडी इज कम्युनिकेटिंग दैट विथ यू. सो आई रेड दिस वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी पावरफुल थिंग, दैट इफ यू लिसन टू योर बॉडी वेन इट विस्पर्स, यू विल नॉट हैव टू हियर इट स्क्रीमिंग. हमारी बॉडी हमेशा हमको साइन देती है. कभी हम उसको एंटीबायोटिक्स से दबाते हैं, कभी हम, यू नो, कुछ भी हो गया हम काम से छुट्टी नहीं लेते हैं. समटाइम्स वी डोंट हैव द लग्जरी. इफ यू आर, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, देर इज अ रूटीन टू बी अडियर टू. इफ समबडी इज नॉट देयर टू टेक ओवर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कभी कभी आपके पास चॉइस नहीं होता है. बट इफ यू फॉलोड, इफ यू बिन इन माई क्लास फॉर अ वाइल, यू विल नो वेन आई एम अनवेल, I cancel all classes. If I can find a substitute teacher, then the teacher handles the class. Otherwise, I just share on the group that I am not well, or whenever I am well, we'll resume the class. Because this is something that my homeopathy doctor told me. I started going to a homeopath in 2012.
सिंस देन मैंने बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जब मैंने एलोपैथिक मेडिकेशन लिया हुआ, दैट इज जस्ट माय चॉइस. बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू फाइंड टू हैव फाउंड दैट डॉक्टर, बिकॉज पहले क्या होता था, आई वुड टेल हिम कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ही वुड सेंड मी सम मेडिसिन फॉर 2 days और 5 days और वट एवर 15 days. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वट हैपेंड वाज ही सेड अच्छा क्या हो रहा है, देन आई वुड टेल हिम ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है. इफ आई हैव कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग ही विल से अच्छा आराम करो, शाम को एक बार बात करते हैं. तो फॉर दैट होल डे ही इज नॉट गिवन मी एनी मेडिसिन. फिर शाम को अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ही अगेन आस्क मी अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. देन ही से अच्छा आई विल सेंड यू ऐसा एक बूस्टर डोज और आई विल सेंड यू ऐसा SOS का मेडिकेशन, उसको आप ऐसे ऐसे ले लेना. अभी तो इट इज रीच अ स्टेज वेर आई डोंट कॉल हिम बिकॉज आई नो वो बोलेंगे शाम तक रुकेंगे, फिर शाम को वो वापस पूछेंगे. देन इन ऑल लाइकलीहुड से 2 दिन कुछ मत करो, आराम करो, ठीक हो जाएगा. सो आई हैव रीच दैट स्टेज, माई बॉडी हैज रीच दैट स्टेज कि 2 दिन अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं आराम करती हूँ, आई ईट वॉट आई फील लाइक ईटिंग, इफ आई डोंट फील लाइक ईटिंग आई डोंट ईट, माई बॉडी रिकवर्स, आई डोंट हैव टू सप्रेस इट विद एन एंटीबायोटिक और अ पेन किलर. बट इट हैज टेकन टाइम एंड इट हैज टेकन दैट चॉइस कि मैं 2 दिन काम नहीं करूंगी तो मेरा उतना जो भी लॉस होगा, स्टूडेंट्स का जो भी लॉस होगा, बट दैट इज वॉट माई बॉडी नीड्स राइट नाउ, सो आई एम गोइंग टू गिव इट दैट. Okay, if we just start respecting and responding to our body's cues, we'll be much more healthier. Okay, so always listen to your body and don't overdo anything. There are people who tell me ke are I have taken a quarterly subscription, so I just realized ki mujhe to unlimited class mil sakti hai, to main subah 8:30 bhi class karu aur sham ko 4 baje bhi karu to chalega. And I tell them mat karo, it is not required, so don't subject yourself. Okay, so on that note, unless you have a doubt, see, I'm not an Ayurvedic doctor and I'm not a student of Ayurveda also. I'm interested, so I read these things. So every question that you have, I may not be able to answer. That is point number one. Dusra, don't go by my word as the gospel, because I told you I'm not trained. So agar aapko koi serious concern hai aur aapko uska solution chahiye, I am not in a position to give you a solution. I've given you the broad framework. If you really need to go by Ayurveda, you need to consult an Ayurvedic doctor. If you need leads there, I can help you with leads. I can give you suggestions, but I cannot give you a solution to your problem. You should not even be seeking it from me. But agar conceptually koi doubt hai, to aap pooch sakte hain. Agar aap specific kuch poochenge ki mere saath ye hota hai, mera dosh ye hai kya, I am not equipped to answer that question. For that, you need to go to a doctor. Lekin concept ki clarity mein agar koi doubt hai, to aap pooch sakte hain. I'll be happy to answer. With whatever knowledge I have right now. Otherwise, we call it a day, time bhi ho gaya. Aur agar baad mein aapka kuch sawal aata hai, to aap baad mein bhi pooch sakte hain. There's no expiry date to asking questions to me. Okay? Anything, Harika? Yeah. So, for Vata, you mentioned the environment as a moderate, right? So, will humid environment also work for them? Because humidity adds oiliness or a little bit of moist in the air. Yeah, see, now we need to understand this in the context. Ayurveda is a very old science, like 5,000 odd years old. That time, there was no climate change and global warming. So, abhi to, because I have lived in Mumbai all my life, you know, every year in summer, I tell my mom, is baar to garmi kuch alag hai. And my mother says, har saal garmi mein tu yehi bolti hai. Because every year, it is just getting worse. You know, jo log Mumbai mein rehte hai, they will relate to, every year, it is just getting worse. So, although ideally we should all be living in a climate where everything is in balance. जहाँ पे sunrise मतलब sun rays भी होती है, जहाँ पे धूप भी निकलती है, जहाँ पे बारिश भी आती है, जहाँ पे cool pleasant climate भी होता है. लेकिन अभी वो कहाँ मिलता है, हरिका दुनिया भर में कहाँ पर मिलता है, वो नहीं मिलता है. So all that I'm saying is that try to find something that is not in direct clash with the personality. जैसे मैंने इसीलिए डिजर्ट का एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी का वाता दोष ही बहुत ज्यादा उनपे हावी हो रहा है और वो एकदम रेगिस्तान में रह रहे हैं, देन इट इज गोइंग टू बी एन अपहिल बैटल फॉर देम. सो ट्राई टू फाइंड समथिंग विच इज नॉट इन डायरेक्ट क्लैश. दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू इन द करंट टाइम एंड एज, बिकॉज वो आइडियल वाला सिनेरियो तो गया. ओके, दैट्स व्हाट इट मींस. एनीथिंग एल्स एनीवन? All right then that is it. If you have any questions, if I forget, remind me, I'll share the vata the dosha related clock with you on the group ki din ke kaun se time mein kaun sa dosh jo hai wo zyada active hota hai and how you can accordingly
blend your activities with that. So I'll just give you one example. 10 to 2, 10 बजे से लेके 2 बजे तक, दिन में भी और रात में भी, the pitta dosha is predominant. See, it coincides with our lunch time. 10 to 2, especially 12 to 2 के बीच में हमारा lunch time होता है ना, क्योंकि तभी pitta dosha है, तो अग्नि, you need अग्नि for transformation, खाने को हजम करने के लिए आपको अग्नि चाहिए. इसीलिए ये टाइम के बीच में खाना खाना इज रेकमेंडेड बाय आयुर्वेद. इट इज अ वेरी सिंपल कोरिलेशन. सो व्हेन आई सेंड दैट क्लॉक टू यू, देन यू कैन कोरिलेट एंड यू कैन टेक इट एज होमवर्क कि अच्छा मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ. ऑलराइट, ओके देन, टेक केयर. आई विल सी यू टुमारो इन क्लास. बाय.